उधर ईरान ने इसराइल को क्यों दी धमकी, थाईलैंड के राजा पर क्या बोला जर्मनी और ट्रंप समर्थकों ने CIA पर क्या आरोप लगाया, देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। सीरिया में ईरान समर्थक आतंकियों पर इसराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने कहा है कि वो इस एयर स्ट्राइक के लिए इसराइल को सबक सिखाएगा। इसराइल की एयर स्ट्राइक में 14 आतंकी मारे गए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर सख्ती बरकरार रखेगा। पोम्पियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने ईरान को शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को ईरान के साथ 2015 में किए गए परमाणु करार की तरफ नहीं लौटना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि 2015 की डील ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में नाकाम रही है। नागोर्नो काराबाख में सीज फायर को सुनिश्चित करने के लिए रूस के साथ तुर्की के सैनिकों की भी एक साल तक तैनाती होगी। तुर्की ने कहा है कि रूस के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम करेगा। 17 नवंबर को तुर्की की संसद ने अजरबैजान में अपने सैनिकों की तैनाती की मंजूरी दी थी। तुर्की ने नाटो और यूरोपीय यूनियन पर नागोर्नो काराबाख में जारी जंग रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। तुर्की ने कहा है कि जंग रोकने के लिए सिर्फ रूस और उसकी तरफ से ही व्यवहारिक पहल की गई। बेलारूस में सड़क पर उतरे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस ने पिटाई की। मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि पुलिस ने 300 से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बेलारूस सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारी दबंगाइयों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जर्मनी ने कहा है कि अगर थाईलैंड के राजा जर्मनी में रहते हुए देश की सरकार चलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जर्मनी से निकाला जा सकता है। थाईलैंड में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजा महावजीरालोंग कोन यूरोप में रह रहे हैं। ट्रंप की टीम ने अब CIA पर भी चुनावी धांधली में शामिल होने का आरोप लगाया है। ट्रंप की टीम का आरोप है कि धांधली में CIA की भूमिका रही है। ट्रंप की टीम ने कहा है कि वो जल्द ही जॉर्जिया में धांधली को लेकर नई याचिका दाखिल करेंगी। ट्रंप की टीम ने पहले देर से आए मेल बैलेट को मतगणना से अलग करने की मांग की थी। जज ने ट्रंप की टीम की याचिका खारिज कर दी थी।